स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयाः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमाम्बितात् ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐसतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऐसे ही प्रार्थना पूर्वक हमें प्रतिदिन योगाभ्यास का प्रारंभ करना है। अब सीधे बैठ जाएंगे। योगाभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्राणायाम और ध्यान। सिद्धासन या सुखासन में, और बच्चे तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। दाएं पैर को बाएं पर रखा, बाएं को दाहिने पर रखा तो ये पद्मासन हो गया। बायां पैर नीचे, दाहिना ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की पिंडली और जंघा के बीच में नीचे से, और दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में ऊपर से, ये सिद्धासन हो जाता है। सिद्धासन और सुखासन में सब लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ये पांच उंगलियां ब्रह्मांड के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसका प्रतिनिधित्व करती हैं बच्चों? पांच तत्वों का। अंगूठा अग्नि तत्व का। अंगूठा किस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं? तर्जनी वायु तत्व का। किसका? मध्यमा आकाश। क्या तत्व? किस तत्व का? अनामिका पृथ्वी तत्व का। अनामिका। और सबसे छोटी कनिष्ठा जल तत्व का। किसका? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे, आपके लिए मैं ताली बजाता हूँ। आपको एक बार बताया और एक बार में ही आपको सब याद रह गया। और इन पांच तत्वों से ही ये पिंड और ब्रह्मांड बना है। दिस बॉडी एंड दिस यूनिवर्स फॉर्म बाई फाइव एलिमेंट्स। ये पांच तत्व हैं। 70% हर जगह वाटर है और 30% सॉलिड मटेरियल है, चाहे बॉडी का सेल हो या ये पूरा यूनिवर्स हो। कितना परसेंट सॉलिड मटेरियल है? 30। और 70% वाटर। और हर बॉडी के सेल, जिसको जीवित सेल बोलते हैं, दो तरह के सेल होते हैं। जैसे एक मिट्टी का सेल है, उसके अंदर जैसे हम, ऐसे तो हर जगह भगवान है, इसलिए भगवान तो चैतन्य है। लेकिन प्रधानता से कोई बात कही जाती है तो जीवित सेल के अंदर, जैसे हमारी बॉडी का जीवित सेल है, पेड़ पौधों में ये लाइव सेल्स हैं, तो जो जीवित सेल है उसके अंदर ये 70% ये कंटेंट होता ही होता है। और उसको जीवित रहने में जो मनुष्यों में जो मदद करता है वो मुख्य तत्व है प्राण, ऑक्सीजन। मनुष्य का सेल किससे जीवित रहता है? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन पर सर्वाइव करते हैं। और पेड़ पौधे
कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बैलेंस बनाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने की है। तो ऐसी श्वास लो, अब इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व क्या हो रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेगा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कभी वीक, उसको कभी सर्दी जुकाम कफ दमा अस्थमा ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत बच्चों को ना नाक ही चलता रहता है, फिर ऐसे खींचते रहते हैं और नमकीन खाते रहते हैं। तो जो भस्त्रिका करेंगे उन बच्चों की गंगा यमुना नहीं बहेगी, उनके फेफड़े कमजोर, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। देखो ये तो मैंने सबके लिए बताया, तीन तरह से किया जाता है भस्त्रिका कपालभाति, तीन तरह की स्पीड होती है, एक धीरे, सब बच्चे करें, अब इसको मध्यम गति से करें तो अब इसको फास्ट स्पीड से कर सकते हैं बच्चे और यंगस्टर्स, बीमार नहीं। जो यंगस्टर्स हैं, जो स्ट्रांग पर्सन है वो इसको फास्ट कर सकते हैं। कैसे, करो, एक मिनट से पहले रुकना नहीं, कंधे मत हिलाना, यूं नहीं, मुंडी मत हिलाना, लंबा सांस लो, छोड़ो, कुछ तो बीच में रुक गए, रुकना नहीं, रिलैक्स। एक मिनट करने से ही क्या लगने लग गई भीतर से, जोर से बोलो। तो सर्दी गर्मी बाहर तो है लेकिन अंदर उससे भी ज्यादा है, इसलिए सर्दी बाहर से नहीं हटेगी कपड़े पहनने मात्र से, अंदर से गर्मी आएगी तो भी बाहर की सर्दी भाग जाएगी। जैसे मुझे सर्दी नहीं लगती, क्यों, क्योंकि मैं योग अभ्यास करता हूं, प्राणायाम करता हूं, इसलिए मैंने अपने अंदर की हीट को, अपने अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट किया हुआ है, इसलिए मुझे सर्दी नहीं लगती। इसलिए जो बच्चे प्राणायाम करेंगे उनको सर्दी नहीं लगेगी, कोई बीमारी नहीं लगेगी, उनके जीवन में कोई बुराई। चलो एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, हमारे मन में अच्छे विचार भी आ सकते हैं, गुड थॉट्स भी आ सकते हैं और बैड थॉट्स भी आ सकते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते, हमको गुस्सा आता है कि नहीं आता, बोलो कभी कभी नाराज होते हो कि नहीं होते, कभी कभी पढ़ाई ना करने का भी आलस्य का भी मन करता है कि नहीं करता, कभी कभी किसी को पीटने का भी मन करता है कि नहीं करता। तो हमारे अंदर गलत विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी। योग करने से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी, ये योग का सबसे बड़ा फायदा। हम लोअर कॉन्शियस से नेगेटिव कॉन्शियस से किस में आ जाते हैं, हायर कॉन्शियस में, किस में आ जाते हैं बच्चों बोलो, हायर कॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियस में अपने को रहना है। मेरे भीतर गलत विचार आता ही नहीं, नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं, आलस्य आता ही नहीं, किसी को मारने की इच्छा होती नहीं। एक लाभ तो यह बताया कि इससे आपको एनर्जी मिलेगी, अभी करके देखा तो पता लगा ना, दो मिनट कर लो ना तो पसीने आने लगते हैं इसको, ऐसे फिर से करो एक बार मेरे साथ, जब तक मैं करूंगा कोई बच्चा रुकेगा नहीं, ठीक है, चलो
कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जोर से करो, रिलैक्स, ज्यादा नहीं कर पाते। तो एक तो इससे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ब्रेन और बॉडी के प्रत्येक सेल को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए बोलो, जोर से बोलो। जो डीप ब्रीदिंग करेंगे उनकी बॉडी को फुल ऑक्सीजन मिलेगा, उनके ब्रेन के सेल, बॉडी के सेल्स, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल्स, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा। तो पूरी बॉडी को एनर्जाइज करना है तो क्या करना है, डीप ब्रीदिंग, भस्त्री का प्राणायाम। क्या हुआ ये बोलो। हाँ देखो एक बात खास मेरे साथ बोलो, भगवान ने बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के हम सबको अनंत ज्ञान, अखंड निष्ठा और प्रचंड पुरुषार्थ करने की शक्ति दी है। तीन बात कही मैंने, अनंत ज्ञान, अखंड निष्ठा, प्रचंड पुरुषार्थ करने की शक्ति सबको बराबर दी है कि नहीं दी। इन तीनों शक्तियों का प्रयोग करें, अखंड ज्ञान, प्रचंड निष्ठा, अखंड। अब मैं अच्छे अच्छे शब्द भी तो सिखा रहा हूं आपको, आप शब्द भी तो पढ़ते हो ना लैंग्वेजेस में, चाहे वो आप संस्कृत पढ़ो, चाहे आप हिंदी पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, तो उसमें आपकी डिफरेंट प्रकार की वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है ना, डिफरेंट प्रकार की वोकैबुलरी आपको सिखाई जाती है। तो मैंने क्या कहा, आपके भीतर क्या है, अनंत, आगे अखंड निष्ठा, प्रचंड पुरुषार्थ किससे करते हैं, प्रतीक है उसका, एक सिंबल है हाथों से। निष्ठा किस में रहती है, हृदय में। ज्ञान कहां रहता है, मस्तिष्क में, ठीक है। तो हमारे भीतर क्या बोलता है, मैंने असीम अनंत ज्ञान, तो ये सारी शक्ति सब में बराबर है कि नहीं, तो हम सभी महान बन सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं जन्म से कोई महान नहीं होता, आदमी किससे महान बनता है बोलो, कर्म से। कर्म को ही दूसरा संस्कृत में अच्छा शब्द क्या है, पुरुषार्थ। किससे महान बनते हैं हम बोलो, तो सभी बच्चे पुरुषार्थ करके महान हो सकते हैं, चाहे आप गरीब घर में पैदा हुए हो, किसी के माता पिता आर्थिक दृष्टि से गरीब हो सकते हैं, किसी के माता पिता अमीर हो सकते हैं। वैसे भी दो तरह की गरीबी होती है, एक आर्थिक गरीबी, क्या है बोलो बच्चों, और दूसरी है वैचारिक गरीबी। दूसरी किसकी, गरीबी को ही दरिद्रता बोलते हैं, एक दूसरा शब्द है हिंदी में, क्या है बोलो, एक वैचारिक दरिद्रता, एक आर्थिक दरिद्रता। किसी को वैचारिक दरिद्रता में जीना नहीं चाहिए। चलो तो आप ऐसे महान विचार रखोगे ना, आगे बढ़ जाओगे। देखो मैंने कल बोला था ना, हम अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े और सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ा करते थे, और तीन तीन साल में एक एक ही जोड़ी चलती रहती थी स्कूल ड्रेस। लेकिन आज हमने इतना बड़ा ये पतंजलि योगपीठ बनाया, इतना बड़ा पतंजलि का ब्रांड बनाया, इतने सब बड़े बड़े काम किए, तो ये सारे काम करने की शक्ति हमको किससे मिली बोलो बच्चों, जोर से बोलो, योग से। किससे मिली, जो सुबह सुबह योग करता है और दिन भर कर्म योग करता है, सुबह सुबह क्या करता है बोलो बच्चों, दिन भर क्या करना है, अपना जो काम है उसी को क्या बोलते हैं, कर्मयोग। जो अपना काम है, अपनी जो मेहनत है, अपना जो पुरुषार्थ है, उसी को कर्मयोग। हमने योग किया और कर्मयोग किया, तो उससे क्या मिलता है लाइफ में, सक्सेस। क्या मिलता है बोलो, उससे मिलता है प्रॉस्पेरिटी। क्या मिलती है, आप सबको यही तो चाहिए बोलो बच्चों को, सक्सेस होना है कि नहीं होना अपनी लाइफ में। तो कितने हुए अभी बोलो बाबा जी, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में भी तो सक्सेस होना है कि नहीं होना है, आप भी अच्छे बच्चे हैं। और फिर लाइफ में भी आप दुनिया में हर फील्ड में सबसे आगे हो सकते हैं,
हमें हर फील्ड में कैसे रहना है, सबसे आगे हर काम में। और वो आगे रहने की ताकत किससे मिलती है? योग से। चलो अगला। आसनों में जो कंपटीशन वाले आसन है ना, वो तो आपसे जितना जिससे हो पाए कर लेना, अच्छी बात है, उसमें भी आगे रहना। लेकिन ये प्राणायाम सबको रोज करना है, एक सेकंड में एक बार। सामान्य गति अथवा तीव्र गति, सब बच्चे करें, बहुत अच्छा है। क्या नाम है इस प्राणायाम का बोलो? जो कपाल भाती करेंगे उनके माथे पर नेचुरल ग्लो शाइनिंग रहेगी, जो कपाल भाती करेंगे उनका पेट मोटा नहीं होगा, उनको डायबिटीज की बीमारी, उनको इंडाइजेशन की बीमारी, जो कपाल भाती करेंगे उनमें कोई कमजोरी, उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी। हाँ, किसी किसी बच्चे को हीमोग्लोबिन की कमी, किसी में विटामिन B12 की, किसी में डी की कमी, किसी में कैल्शियम की कमी। ये कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो जो कपाल भाती करेगा उसकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी, ये देखो कितना अच्छा है ना। क्योंकि जो भी हम फूड लेते हैं वो कहां जाता है? हमारे पेट में। पेट में वो स्टमक में गया, स्टोमक से कहां जाता है? स्टमक से इंटेस्टाइन में। स्टमक से किस में जाता है? छोटी इंटेस्टाइन में पहले जाता है कि बड़ी में? छोटी में। उसके बाद किस में जाता है? बड़ी में। अच्छा, उस जो छोटी और बड़ी इंटेस्टाइन आंत होती है उससे जो हमारे शरीर को जो चाहिए, जैसे प्रोटीन चाहिए मसल्स के लिए, कैल्शियम चाहिए जो है हमारी हड्डियों के लिए, ब्लड के लिए चाहिए, आयरन आदि, तो ये सारा किससे मिलेगा हमें? फूड से। और फूड वो डाइजेस्ट कहाँ होता है? थोड़ा सा तो पेट में होता है, बाकी पूरी एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? इंटेस्टाइन से। पूरा फूड एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? कपाल भाती करने से हमारी इंटेस्टाइन से सारी चीजें ठीक ठीक एब्जॉर्ब होने लग जाएंगी। करो बच्चों, कितनी देर करना है? कम से कम, कम से कम 5 मिनट। कितनी देर करना है? कम से कम। साहब करो, कुछ तो अभी भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ तो ऐसे ही बैठ गए थे, ऐसे नहीं, ऐसे बैठो। किसी किसी का पेट मोटा हो जाता था, कितना खराब लगता है ना। आपकी मम्मी भी मोटी हो गई हो तो उसको भी बता देना, किसी की मम्मी मोटी हो गई, किसी के पापा मोटे हो गए, और कुछ तो बच्चे ही मोटे हो जाते हैं। आप तो योग करने वाले हो ना, इसलिए मोटे नहीं हो। आपकी कोई कोई स्कूल की टीचर भी मोटी हो जाती है मैडम। तो जो भी मोटे हो उनको सबको क्या बोलना, क्या करो? कपाल भाती। और जो कपाल भाती करेंगे उनके चेहरे पर नेचुरल ग्लो रहेगा, उनको फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ता है। और फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा नहीं होता। एक आदमी ने अपनी भैंस के ऊपर लगाया, उसके पुट्ठा होता ना पीछे, एक ऐसे एक फिट जगह बनाई, उसके ऊपर रोज लगाता था, 1 साल तक लगाया, 1 इंच भी गोरी नहीं हुई। इसका मतलब कोई क्रीम पाउडर लगाने से गोरा नहीं होता। कपाल भाती करेंगे तो आपका ग्लो बढ़ेगा, नेचुरल ग्लो शाइनिंग, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है, अंदर से नेचुरल ग्लो आता है तो आप खूबसूरत दिखेंगे। तो सबको स्वस्थ दिखना है और सुंदर होना है तो कपाल भाती करना है। तो ये 5 मिनट कम से कम करना, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए तो 10 मिनट 15 मिनट कर लेना। आजकल थायराइड की प्रॉब्लम भी हो गई है बच्चों को भी, गले में एक और बीमारी हो जाती है ना, बच्चों को टॉन्सिल हो जाते हैं,
किसी किसी को थ्रॉट इन्फेक्शन बहुत होता है, बार बार गला खराब हो जाता है, जो कपाल बातें करेंगे उनको थ्रॉट इन्फेक्शन कभी भी। अगली बात, चलो ये तो हुआ कपाल भाती, इसके बहुत फायदे हैं। नेक्स्ट बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, बाह्य प्राणायाम। क्या बोलते हैं इसको? तीन बंद लगते हैं, जालंधर बंद, उड्यान बंद, मूल बंद। कितने बंद लगे बोलो? क्या क्या? मूल तीन बंद लगते हैं। ये थोड़ी को कंठ कूप में लगा देना, जालंधर बंद, पेट को सिकोड़ के पीछे लगा देना, उड्यान बंद, और नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना, मूल बंद। तीन बंद लगते हैं, ठीक है। और इससे ये थायराइड भी अच्छा हो जाता है, थायराइड पैराथायराइड, इससे पेट भी अच्छा हो जाता है और नीचे का मूलाधार चक्र अच्छा हो जाता है। तो इससे किसी भी तरह के कोई कमजोरी शरीर में नहीं आती, पेशाब की बीमारी, किडनी की बीमारी नहीं होती, गैस कब्ज की बीमारी। तो बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। क्या बोलो? श्वास बाहर छोड़ेंगे, ऐसे इसको तीन बार कर लेना। क्या नाम है इसका बोलो? बाह्य प्राणायाम। फिर अग्निसार क्रिया एक होती है, श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना, तो यह हो गई अग्निसार क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? जैसे आप डिफरेंट पोस्चर्स के नाम आपको पता है ना, इसको क्या आसन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। फिर इसमें बीच में से पेट निकाल दो, साइड से अंदर खींचो और गोल घुमा दो, तो फिर वो हो जाती है नोली क्रिया। क्या बोलते हैं उसको? ऐसे योग में बहुत प्रकार के ऐसे क्रियाएं हैं, योग की विधियां हैं, आसन हैं। तो इसमें सांस को ऐसे बाहर छोड़ के अब आप भी करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस की बात तो हो जाएगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं है ना आपकी, तो थोड़ा दिक्कत रहेगी, आज बाद में आ जाएगा। यह है नौली क्रिया। क्या बोला है? गला और थायराइड के लिए बहुत अच्छी क्रिया है उज्जाई। ये उज्जाई प्राणायाम क्या है बोलो? गले को टाइट करके सांस को अंदर भरना साउंड के साथ, थोड़ी देर अंदर रोक करके फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना, ऐसे भरना, आवाज के साथ भरो, अंदर रोक करके थोड़ी देर रखा,
फिर बाएं से बाहर छोड़ दिया, ये हो गया उज्जायी। क्या नाम है बोलो? उज्जायी प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। क्या करना बोलो? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कनेक्ट है हमारा राइट ब्रेन। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कौन सा ब्रेन कनेक्टेड है हमारा? और राइट नॉस्ट्रिल से, तो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल से जब ब्रीदिंग करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन और राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है। आपको राइट और लेफ्ट ब्रेन यदि पूरी तरह से एक्टिवेट करना है, अपने ब्रेन को शार्प करना है, अपने मेमोरी को शार्प करना है, आपको कंसंट्रेशन आई क्यू लेवल बढ़ाना है, तो कौन सी एक्सरसाइज है? जोर से बोलो, अनुलोम विलोम की। यही एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। हाँ, थोड़ा सा इसमें मदद शीर्षासन और सर्वांग आसन से भी मिलते हैं, वो बच्चों को जरूर करना चाहिए। देखिए, कंपटीशन के आसन है ये, बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और इसके अलग अर्थ हैं। लेकिन ये प्राणायाम ना, ये बहुत जरूरी है ब्रेन के लिए, अपने दिमाग को तेज करने के लिए। और देखो, पूरी दुनिया में वही पावरफुल लोग हैं जिनका ब्रेन तेज है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कॉर्पोरेट फील्ड हो, चाहे खेल हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का कोई भी फील्ड हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, बिजनेस हो, एग्रीकल्चर हो, दिमाग क्या रहना चाहिए बोलो? तेज। मैंने कल बताया था ना, हेल्दी बॉडी शार्प एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, ये किससे क्या मिलती है लाइफ में? सक्सेस बताया था ना, बोले तो।